हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास एट्थ चैप्टर हमारा एट्थ है और चैप्टर का नाम है हमारे पास कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग करना, कंपेयरिंग क्या होता है? किसी किन्हीं भी दो चीज़ को कंपेयर करना। क्वांटिटीज़ हमारे पास कोई भी मात्रा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? किन्हीं भी दो चीज़ों के भार को कोई भी ले सकते हैं, वेट ले सकते हैं या फिर उसकी हाइट ले सकते हैं, लेंथ किसी भी वे में ले सकते हैं। उन दो किन्हीं भी दो को कंपेयर करना, उसी को ले रहे हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। अब इसमें हमारे पास क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी आएगा, परसेंट भी आएगा, प्रॉफिट लॉस, ये सभी आएंगे इसी के अंदर। ठीक है, अब देखो इसको इंट्रोडक्शन में क्या है। इंट्रोडक्शन में दे रखा है इन एवरी 100 और पर 100 इज कॉल्ड एज परसेंट। हर 100 पर, मान लिया आपको ये बोल दिया 2% है, तो 2% का मीनिंग क्या है कि जितने भी 100 हैं सभी पर 2 रुपीज़ लेस है, या अगर बढ़ाना है तो बढ़ाना है। तो 100 में से 2, मान लिया हमने कोई चीज़ खरीद रखी है 500 की और ये बोल दिया है कि 2% है, तो अगर 2% है तो 100 का 2 आया, 100 में से 2 कर देंगे 98, फिर अब ये है इसमें से फिर 2 माइनस कर देंगे 98, 5 टाइम्स लिखेंगे इसको इसी तरह, क्योंकि 500 है तो इनकी जो है टोटल 500 होना चाहिए, 2 भी 5 टाइम्स आएगा तो ये भी 5 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 98 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, ये क्या आ जाएगा उसका 500 का 2%। तो इसी तरह से जो हमारे पास 100 होता है वो हमारा, जो हमारे पास परसेंट होता है वो 100 में से होता है। एग्जाम्पल है जैसे 40% है, तो 40% को का मीनिंग क्या है कि 100 में से 40, 40% मीन्स 40 इन एवरी 100, हर एक 100 में से 40। नेक्स्ट है टू चेंज ए परसेंट टू ए फ्रैक्शन, फिर हम परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 40% परसेंट को चेंज करना है तो 40/100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4/10 आ जाएगा, 4/10 को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.4। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी हम परसेंट को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन के अंदर तो हमेशा डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। नेक्स्ट है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, जब आपको ये बोल दिया कि कोई भी नंबर दे रखा है कि उस पर 20% इंक्रीज करना है फिर 20% डिक्रीज करना है, वो हम कैसे करते हैं? जो नंबर दे रखा है उस नंबर को रखेंगे, प्लस अगर इंक्रीज करना है तो प्लस कर देंगे, उसी नंबर का 10% 20% जो भी दे रखा है वो निकाल लेंगे। जैसे इंक्रीज 240/10%, 240 को हम इंक्रीज कर देंगे कितना 10%, तो क्या लिखेंगे 240 का 10%, 240 मल्टीप्लाई 10/100, 20 है 0 कैंसिल हो जाएंगे 24 के और 1 के 24 और प्लस कितना है 240, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 264। तो हम ये बोल सकते हैं कि 240 को कितना इंक्रीज कर दिया, 10% इंक्रीज कर दिया। अब दूसरा हम दे दिया कि डिक्रीज 180/18%, 180 को अगर हम 18% डिक्रीज मीन्स कम होना, तो 180 में से माइनस कर दें क्योंकि हमें कम करना है, तो 18/100 किसका है अब 180 का, इसको कैंसिल करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 18 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 9 जा 162, 162/5 कितना आएगा 32.4, अब इसमें से माइनस कर दें क्या है 147.6, तो ये हमारा क्या हो गया 180 को जब हमने 18% डिक्रीज कर दिया तो हमारे पास कितना है 147.6। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस हमारा किस पर डिपेंड करता है? पूरा का पूरा जब भी हमें कोई भी चीज़ कितने रुपए में खरीदी और कितने में हमने उसको बेच दिया, जिस रुपए में जितने भी पैसे में हमने उस चीज़ को खरीदा है वो हमारे लिए होता है कॉस्ट प्राइस, और जितने में हमने उसको बेच दिया वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इन्हीं दोनों से हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हम क्या बोल देंगे? प्रॉफिट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हमने खरीदी, मान लिया एक पेन खरीदा, हमने 10 रुपीज़ में एक पेन खरीदा और हम, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 10 हो गया। फिर दूसरा हमने ये मान लिया कि हमने उसको बेच दिया 13 रुपये में, 13 में हमने उसको बेच दिया, ये इसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। अब 10 रुपये में खरीदा था, 13 में बेच दिया, कितने रुपए बचे हमें 3 रुपये बचे, ये रुपए हमें बचे तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट हो गया। और अगर मैं इस क्वेश्चन को ये बोल दूँ कि हमने पेन 15 रुपीज़ में खरीदा और 13 में बेच दिया, तो अपने पास से कितने रुपये ऐड किए हमने,
2 रुपए तो हमने अपने पास से लगा रखे हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। जब कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, और जब ज्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं तो हमेशा लॉस होता है। देखो, प्रॉफिट और लॉस के लिए प्रॉफिट हमारा क्या होता है, SP माइनस CP। SP होता है हमारा सेलिंग प्राइस, CP होता है कॉस्ट प्राइस। अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमेशा प्रॉफिट होगा। लॉस के लिए सेलिंग प्राइस कम होगा और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, कि ज़्यादा में खरीदी हमने, तो लॉस के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, CP माइनस SP। फिर हमें परसेंट निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट, जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी होता है हमें, वो हमेशा CP पर होता है। कि जब तक हमें CP नहीं पता होगा, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि इसमें कितना लॉस हुआ है, कि फिर कितना प्रॉफिट हुआ। अगर आपको ये बोल दिया गया कि आपने कोई पेन बेच दिया 15 रुपीज़ में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 15 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस। हमें तो तभी पता चलेगा ना, जब ये पता होगा कि वो कितने रुपये में ख़रीदा था। जब तक हमें यही नहीं पता कि कितने रुपये में ख़रीदा था, हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो उसको में कितना लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इसीलिए उसके लिए हम किस पर डिपेंड होते हैं, CP पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दोनों किस पर होते हैं, हमेशा CP पर। प्रॉफिट परसेंट किस पे आएगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई CP, और लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस मल्टीप्लाई 100 बाई CP। प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस परसेंट में या लॉस आ जाएगा। नेक्स्ट है SP। अगर हमें CP दे रखा है और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो हम SP कैसे निकालते हैं। SP निकालने के लिए हमें क्या होगा कि हमें मान लिया दे दिया, कोई चीज़ हमने 100 रुपये में खरीदी और 10% प्रॉफिट पर बेच दी, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। 100 में तो हमने खरीदी थी, वो तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और 1 + 10% पर बेच दी, तो 10/100 हो जाएगा। 0 कैंसिल, 10 1 जा 10, और 1 11, तो 100 की और 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1100। तो इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, वो SP आएगा। प्रॉफिट परसेंट है और ये 1 + प्रॉफिट है, 1 मिनट, 1 + प्रॉफिट परसेंट। तो ये हमारे पास कैंसिल होने के बजाय एज इट इज़ करके हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। इसी तरह से जब हमारे पास SP, जब लॉस आ जाता है, तो लॉस के लिए हम क्या निकालते हैं, लॉस के लिए जब भी हम निकालते हैं, तो लॉस के लिए हमेशा हमारे पास एक ही चीज़ होती है कि माइनस करना है। प्रॉफिट में प्लस करते हैं, लॉस में माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, SP इज इक्वल टू CP, 1 - लॉस परसेंट बाई 100। अब 1 में से लॉस परसेंट को माइनस कर देंगे और बाई में 100 लगा देंगे, तो हमें क्या आ जाएगा, लॉस। उसके बाद आता है हमारे पास मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, हमने कोई भी चीज़ खरीदी, उसके ऊपर मार्क होता है कि ये कितने रुपए की है। जैसे हमने पेंसिल खरीदी है, तो इस पेंसिल के ऊपर यह मार्क होगा कि कितने रुपए की है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मार्क्ड प्राइस। द प्रिंटेड और द टैग प्राइस, प्रिंटेड रेट भी बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं, प्रिंटेड रेट। द प्रिंटेड और द टैग प्राइस, प्रिंट हो रखा हो या फिर टैग लगा रखा हो प्राइस का, ऑफ एन आर्टिकल किसी भी चीज़ पर, इज नोन एज ए मार्क्ड प्राइस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस, और MP, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, MP। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंट। जब भी हमारे पास डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट कैसे मिलता है, कि कोई भी चीज़ अगर हम खरीदते हैं, तो मान लिया हमने 100 रुपीज़ की कोई भी चीज़ खरीदी है, तो ये बोल देंगे कि आपको इस पर 20% डिस्काउंट मिलता है। तो इट मीन्स हमारे पास टोटल पर क्या आ गया, 20% डिस्काउंट हो गया। और वो जो 20% डिस्काउंट है, वो किस पर होता है, जो उस चीज़ के ऊपर फिक्स रेट होता है, जो मार्क प्राइस होता है, उसी के ऊपर हमेशा डिस्काउंट होता है। ये है कि कोई 100 रुपये मार्क है, उसके ऊपर 100 रुपीज़ है, और आपने ये बोल दिया कि मैं तो इसको 80 रुपीज़ में लेता हूँ, मान लिया उसने 80 में दिया, तो 80 में वो उसके ऊपर नहीं लगाएगा डिस्काउंट, वो हमेशा डिस्काउंट किस पर लगाएगा, जो उसके ऊपर मार्क प्राइस है। तो मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट होता है हमेशा। द डिडक्शन अलाउड ऑन द मार्क प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट, एक ऐसी डिडक्शन जो किस पर अलाउ होती है, ओनली मार्क प्राइस पर, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। इट इज जनरली गिवन इन परसेंट, और वो मेनली हमारे पास जनरली किस में होती है, परसेंट में। जैसे आपने देखा होगा कि 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट दे रखा है, 5% डिस्काउंट है, तो वो हमारा उसी पे होता है। उसके बाद है नेट प्राइस। नेट प्राइस क्या होता है, द सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट टू एन आर्टिकल इज कॉल्ड इट्स नेट प्राइस। जो
प्राइज हमारे पास, देखो सबसे पहले था हमारे पास मार्क प्राइज। मार्क प्राइज के बाद हमने क्या लिया कि उस पर डिस्काउंट मिल गया, तो मार्क प्राइज पर डिस्काउंट आ गया। फिर नेट प्राइज क्या है कि जो हमारे पास मार्क प्राइज है उस पर डिस्काउंट होने के बाद जो प्राइज आता है जिसमें हमने उस चीज़ को बेचा या खरीदा है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्राइज। मान लिया कोई हमने चीज़ खरीदी है जिसका हमारे पास 150, उसका हमारे मान लिया 160, हमारे पास कोई चीज़ थी 160 तो हमने उसके ऊपर मार्क्ड प्राइस था, ये हमारा एमपी हो गया, और 10% उस पर डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट को हम क्या लिखेंगे, 10% आ जाएगा। तो 10% डिस्काउंट अगर हमें लेना है तो हम कैसे करेंगे, 160 का 10% कर देंगे, मल्टीप्लाई 10/100, 0 कैंसिल, कितना आया 16। अब टोटल हमारे पास कितना था 160, 160 में से 16 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। तो ये 144 है, ये हमारे पास क्या आया उसका नेट प्राइस है, कि जिस प्राइस में डिस्काउंट होने के बाद जो हमारे पास प्राइस आता है वो हमारा क्या है, नेट प्राइस। उसके बाद आता है इसके हमारे पास फॉर्म लिख दी है एसपी, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, कि जो एक ऐसा सेलिंग प्राइस जो हमारा डिस्काउंट मिलने के बाद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्राइस। और सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये आ जाएगा। फिर मार्क्ड प्राइस कैसे निकालते हैं, अगर हमें एसपी दे रखा है और डिस्काउंट परसेंट दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, 100 मल्टीप्लाई SP, 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट है सेल्स टैक्स, उसके बाद आता है हमारे पास टैक्स। अभी तक डिस्काउंट था, अब टैक्स है। अब टैक्स में देखो क्या करते हैं, सेल्स टैक्स इज़ ए टैक्स लेव्ड बाय द गवर्नमेंट। सेल्स टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो किसने लगाया है, गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है ऑन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर ऑफ द एन आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, जो जिस प्राइस पर हमें खरीदा है या किसी ने बेचा है उस सेलिंग प्राइस पर एक गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है, एट ए रेट गिवन बाय द गवर्नमेंट। और किस रेट पर होता है वो हमारा, जो कि गवर्नमेंट देती है, कि जैसे हमारे पास 2% सेल्स टैक्स है, 1% सेल्स टैक्स है, वो गवर्नमेंट का रेट होता है कि किस रेट पर है ये सेल्स टैक्स है। तो सेल्स टैक्स हमारे पास क्या है, एक ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट ने सेलिंग प्राइस पर लगा रखा है और हर एक आर्टिकल का उसी रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू एडिड टैक्स है, जिसको हम बोलते हैं वेट। वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है, वेट इज़ एन एक्स्ट्रा टैक्स। अब ये तो सेल्स टैक्स हो गया जो गवर्नमेंट ने लगा, उसके बाद आ गया एक वेट। वेट हमारे पास क्या है, वेट इज़ एन एक्स्ट्रा टैक्स, ये एक और एक्स्ट्रा टैक्स है विच इज़ लाइव्ड एंड कलेक्टेड, जो कि लगाया गया है एंड कलेक्टेड और कलेक्ट करता है बाई स्टेट गवर्नमेंट इन लिए ऑफ स्टेट टैक्स, और जिसको कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करता है इन लिए ऑफ स्टेट टैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट टैक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाई 100, ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पी मल्टीप्लाई 1 + R/100 power n माइनस प्रिंसिपल क्या है, पी। अब अमाउंट कैसे निकालते हैं, ये जो हमें दिया हुआ है ये कैसे निकालते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1 + R/100 power n। पी हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, आर हमारे पास क्या होता है, रेट होता है, और जो एन है वो हमारे पास क्या होता है, टाइम, कि कितने साल के लिए है। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू।